सभेचे आणि विधानसभेचे उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय सदस्य तसंच सुनील तटकरे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, आजच्या कार्यक्रमाला नव्या मुंबईतनं, कोकणातनं, रायगड जिल्ह्यातनं, महाराष्ट्रातनं मोठ्या संख्येने आलेले सर्व बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, ज्या प्रचंड संख्येने आज आपण मोदी साहेबांचं स्वागत केलं त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपले मनापासून आभार मानतो। आज का दिन देश और महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की प्रेरणा देने वाली हमारी राजमाता जिजाबाई की जयंती है और आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं दोनों को नमन करता हूँ। राजमाता जिजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को न सिर्फ स्वराज्य की प्रेरणा दी बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार दिए और इन्हीं संस्कार और मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा और लोगों के स्वराज्य का निर्माण हुआ। आज राजमाता जिजाबाई के जन्म जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण अभियान की तरह नारी शक्तिदूत एवं का उद्घाटन हो रहा है। इसी ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो 2014 साल में मैं जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली तब उन्होंने जिस एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण और देश की माँ और बहनों के जीवन में बदलाव के लिए उन्होंने कई सारी परियोजना शुरू की। उज्ज्वला योजना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला से महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम हुआ है। आज यहाँ मुंबई शहर को रायगढ़ जिले के जोड़ने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अटल सागरी सेतु का उद्घाटन हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत का सबसे लंबा सागरी सेतु अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। इसमें देश की तरक्की के लिए देश का पैसा जोर से घूमना जरूरी होता है और पहिया जोर से घुमाने के लिए देश में कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का पूरा होना जरूरी होता है। मोदी जी के सरकार ने ऐसी कई सारी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कर देशवासियों को समर्पित किया है। आज मुंबई और दूसरी मुंबई के बाद तीसरी मुंबई यहाँ रायगढ़ जिले में बनने का जा रही है। इस तीसरी मुंबई को इस सेतु के निर्माण से काफ़ी मदद होने वाली है। रायगढ़ से मुंबई जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे दूरी अब सिर्फ 25 मिनट में पूरी होने वाली है। इससे ईंधन 25 मिनट में पूरी होने वाली है। इससे ईंधन और कीमती का वक्त दोनों बचेगा। रायगढ़ वासियों के जीवन में इस सेतु के निर्माण के कारण कई सारे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। ये सेतु मुंबई जैसे महानगर को ग्रामीण भारत से जोड़ने वाला सेतु है। आज यही खारकोपर उरण रेलवे का मार्ग का और दीघा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद मोदी जी ने सरकार ने भारतीय रेलवे का चेहरा बदल दिया है। वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें अब भारत के हर कोने में दौड़ती नजर आ रही है। इसी से भारत के ट्रेन से सफर करने वाला आम आदमी का जीवन और सफर दोनों आसान हो रहा है। देश की आम आदमी के हित की बात सोचना, उसके लिए पूरे शिद्दत से पूरे जोर कोशिश करना और बदलाव लाना, ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देश को बदलने और आगे ले जाने के लिए खंबीर नेतृत्व की जरूरत होती है। मोदी जी ने हमारा देश को ऐसा ही नेतृत्व दिया है। आज हम सूर्यापानी की परियोजना का भी उद्घाटन कर रहे हैं।